जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी चंगे भले होंगे। फिर पार्ट होंगे पाइन शाइन होंगे। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही अच्छी है। जो है पिछली वीडियो में मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, वो इस वजह से नहीं कर पा रही थी, कुछ बिजी चल रहे थे डेज, उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आप लोगों को कोई न्यूज देनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो वक्त आ गया था। तो जो वक्त का इंतज़ार कर रहे थे हम, मुझे पता नहीं क्या वीडियो बनानी है, किस तरीके से वीडियो बनानी है, क्योंकि जो टाइम था ना वो आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहती थी मैं। बट उस टाइम इतनी ज़्यादा कोई घबराई हुई थी मैं, इतनी ज़्यादा टेंस थी मैं कि मैं वो लम्हे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, अगर हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो आप लोगों को मैं स्टोरी अपनी ऐसे ही सुनाती हूँ। तो कुछ ऐसा था कि माशाल्लाह 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 सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेबी का वेट हो रहा था कि कब वो आएगा इस दुनिया में या आएगी इस दुनिया में और हमारी जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ बिखेर देगी। तो जो था कि वो तो अल्लाह की मर्जी है कि बेबी होगा या बाबा होगा, लेकिन एक होता ना दिल से एक अंदर से होता है कि क्या चाहिए पहले। तो हम दोनों को बेटी चाहिए थी, बेबी चाहिए। तो अब देखते हैं बेबी है या पापा है। तो ये तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि बेबी है कि बाबा है। कुछ ऐसा था कि बहुत अच्छा चल रहा था, टाइम जो था डिलीवरी का वो भी अभी काफी टाइम बाकी था, और जो था मेरा रिपोर्ट टेस्ट सब कुछ इवन चल रहा था। फिर एक दफा हम लोग गए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो जब चेकअप करवाया तो इमरजेंसी में मुझे एडमिट करना पड़ गया, एमरजेंसी में मुझे एडमिट करना पड़ गया। तो उसके बाद फिर बेबी के आने का टाइम हो गया था। तो उस टाइम मैं इतनी कोई घबरा गई थी, कुछ था कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मोबाइल हाथ में होने के बावजूद वीडियो नहीं बनाए मैंने, किसी भी चीज़ की किसी भी मोमेंट की कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि दिमाग नहीं चल रहा था उस समय। क्योंकि जो था नॉर्मल था सब कुछ, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी, सी सेक्शन नहीं होने वाली थी, लेकिन अचानक सेक्शन होने लगी तो फिर ना बंदा घबरा जाता है सच में। तो मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन बस फिर अल्लाह पाक ने हिम्मत दी मुझे, मेरे हस्बैंड ने हिम्मत दी, मेरी फैमिली ने हिम्मत दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे हैं मेरे घर में, सब ने मुझे बहुत हिम्मत दी। और फिर जो है वो वक्त आ गया, पता नहीं कैस मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जिस चीज़ों से हम गुजरते हैं, माँ बनते हैं, वो जब औरत माँ, जब औरत माँ बनती है बस तभी उसको वो चीज़ पता चलती है। तो कुछ सीन ये हुआ था कि मैंने एंड में कुछ थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड करी थी, शायद ड्रीम वगैरह की या बीबी वगैरह की। तो मैं भी ढूंढ के ना वो इधर उधर कहीं ना कहीं अटैच कर दूंगी आप लोगों को। तो बस वो थोड़ी सी वही वीडियो जब मैं होश में आई थी तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, बाकी तो मैं सच में ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो यूँ हुआ था कि जब हम जब सी सेक्शन हुआ तो उसके बाद जो था मुझे कुछ पता नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मेरा सोना था तो उसके बाद जो दर्द हुआ वो चीखे निकलने वाला था। मैं रो रही थी, मैं कांप रही थी, मेरा दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन 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 जब आप मामा बन जाते हैं और इन दर्द में भी होते हैं, तो अगर उस टाइम पर बेबी रो रहा हो ना तो अब वो सारा दर्द एक मिनट में भूल जाते हैं कि किस तरीके से उसको चुप करवाना है, उसको पीट करवाना है। तो अगर उस टाइम कोई अवेलेबल ना हो तो आप कुछ भूल के, सारा दर्द भूल के आप उसके अंदर लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो वो चीज भी एक अलग ही चीज थी। दर्द ऐसा था कि इंसान हिलते भी, हल्का सा हिलते भी बहुत बहुत रोना आ रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन जब बेबी की आवाज आ रही थी तो वो इतना वाला दर्द भी ना इंसान, मैं तो जो है वो एक सेकंड के लिए भी भूल जाती थी कि मुझे पता नहीं था कि दर्द क्या है। मैं सारी तवज्जो अपनी सारी टेंशन बेबी की तरफ कर देती थी। सच में बाबा ना बहुत मुश्किल है और बहुत खूबसूरत है। तो मैं आपको वीडियो अटैच करती हूँ, दर्द कहीं आप देखिएगा। बस जो थोड़ी सी वही वीडियो थी मेरे पास, तो मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो ये रूम वगैरह था, तो देखते हैं।
तो बस यहाँ पे हम डिस्चार्ज होने वाले थे, थोड़ा रूम मैसी हो रहा था क्योंकि सारा सामान वामान इकट्ठा कर रहे थे। तो ये था हमारा रूम टूर। तो मैं जब जाने ही वाली थी तो मैंने सोचा अरे जाते जाते तब मुझे होश आया कि थोड़ा सा रूम की वीडियो बना लेते हैं, और कुछ तो मैंने बनाया नहीं। तो खैर चले कोई बात नहीं। तो ये था रूम, और अगर यहीं पे आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ जाएँ और अभी जाके सब्सक्राइब करें, और बराबर बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, उससे आपको मेरी वीडियो मुफ्त में देखने को मिलेगी। और अपने अजीज़ों के साथ भी शेयर करिएगा। तो आगे चलते हैं। तो बस ये था हमारा रूम टूर। तो बस अब यहाँ पर हम लोग घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो हम लोग ने यहाँ मैं रेडी हो रही थी, इनसे थोड़ी खिदमत करवा रहे थे, यही मौके होते हैं खिदमत के, वरना हम वाइफ ही कर रही होती हैं खिदमतें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत खिदमत करते हैं और मैं उनकी खिदमत करती हूँ। जी से जी हुजूरी होती है कि आप जब तक अपने लाइफ पार्टनर की केयर नहीं कर रहे होते, उसका साथ नहीं दे रहे होते, तो आगे से आपको भी वैसा रिस्पांस नहीं मिलता जैसा आप सामने वाले के साथ करेंगे ना, तो आपके साथ भी सामने वाला वैसा ही करेगा। ये फैक्ट है। तो जितनी आप केयर सामने वाले की करेंगे, जितना ख्याल आप सामने वाले की करेंगे, जितना आप अपने लिए चाहते हैं ना कि मेरे लिए कोई इतना करे, तो उतना ही आप सामने वाले के लिए करें, अपने पार्टनर के लिए करें, तो जैसा आप करेंगे वैसे रिस्पॉन्स आपको भी सामने से ही मिलेगा। आजमा के देख लीजिएगा। तो ये रूम वगैरह था, आपने देख लिया मेरा रूम वगैरह। और उसके बाद जो था बेबी आ गए थे, और इसके बाद जो थी हमारी जो छोटी सी या छोटू सा जो भी था, ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आगे वीडियो में दिखाएंगे, ऐसे आप देख सकते हैं ये मेरी गुड़िया या गुड्डा जो भी है, मुझे पता है आप लोग की सरप्राइज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मन चुकी हूँ, और ये छोटी या छोटू सा जो क्यूटो सा बेबी है, ये मुझे मिल चुका है। लाइफ चेंज हो चुकी है, बहुत बिजी हो चुकी है, वीडियोज नहीं बन पाती, वीडियोज बनती तो एडिट नहीं कर पाती, बहुत 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 जो है सारा टेंशन जो है बेबी की तरफ लगा हुआ रहता है हमारा। ज्यादातर माँ का तो लगा ही होता रहता है, क्योंकि पापा को तो इतना हम लोग नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं, बहुत फैमिली हम दोनों का। तो ये जो वीडियो मैं अभी आप लोग से शेयर कर रही हूँ, ये सवा महीने के बाद के वीडियो है, क्योंकि जो सवा महीना होता है उसमें ना इंसान को भी अपना होश नहीं होता है, क्योंकि इतना पेन इतना सब कुछ होता है, तो वीडियो का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि कैसे बनाए वीडियो, क्या रिकॉर्ड करें। तो इसलिए तो मैंने सोचा कि वो पूरी सब कुछ वीडियो आप लोग के साथ में, क्योंकि एक अपना वो सारा शेयर कर रही थी, तो ये वाली वीडियो भी शेयर करनी थी मुझे पूरी, लेकिन ये वाली वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि मैं इतनी ज्यादा टेंस थी, इतनी ज्यादा मैं कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं एक स्टोरी ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिसपे आप अपने अपनी पूरी स्टोरी सुना दूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी छोटी मोटी सी मेरी स्टोरी थी। मैं 3 डेज वहाँ पे स्टे किया था मैंने, उसके बाद जो मैंने बैग पैक किया था वो सारी चीजें काम आई मेरे, और क्या कहते हैं नेक्स्ट जी, तो वो सारी चीजें काम आई मेरी और बहुत अच्छी रही वो मेरी जर्नी। मैं आप लोगों को शॉर्ट्स भी दिखाऊंगी जो कुछ मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर पाई थी, और बाकी अब आगे की जो वीडियोस हैं वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो सवा महीने में भी कुछ थोड़ी बहुत नई वीडियोज बना सकी थी, रिकॉर्ड कर सकी थी, वो मैंने रिकॉर्ड करी, उनको मैंने एडिट करा है। अब जो है मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूंगी, फिर जैसे जैसे मैं आगे चलती रहूंगी, बेबीज की केयर वगैरह की, बेबीज की मालिश वगैरह की, बेबी की और बहुत सारी चीजों की वीडियो, बेबी के शॉर्ट्स वगैरह सब शेयर करूंगी। लेकिन 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 अपने अपने खास दुआओं में, जैसे आप हमेशा मुझे याद रखते हैं, याद रखिएगा, और माशाल्लाह 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 बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी छोटी है छोटू सा जो जानू बानू है जो नजर न रखे पास। और क्या और पर तो बस अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अपनी खास दुआ में याद रखिएगा मुझे, मैं भी हमेशा याद रखती हूँ आप सब लोगों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को आप खास दुआओं में
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस टाइप के आपको व्लॉग्स चाहिए, किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए, किस टाइप के आपके रिव्यूज किस किस चीज़ के चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए उस टाइप के वीडियोस बनाऊँ। आप लोगों को बताएं कि आप लोगों को मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो मैं आगे भी आप लोगों के साथ इसके सारे पार्ट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो और अगर नहीं लगी तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इस चीज़ को स्किप करके फिर आप लोग के साथ वही रिव्यूज वाले और जो ब्लॉग बनाती थी, फूड ब्लॉग रिव्यूज बनाती थी मैं, और जो प्रोडक्ट्स के रिव्यू देती थी, और बाकी सारी जो केयर की, स्किन केयर वगैरह की जो वीडियोज थी वो भी मैं साथ में शेयर करूंगी, लेकिन फिर मैं उस पर बनाऊंगी। अगर ये चीज़ अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब बस चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।